Welcome back to my channel, everyone. Please do like, subscribe and comment. और आज सुबह बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, इट्स सनी, और आज ठंड भी कुछ कम है. तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ज़बरदस्त रेसिपीज़ को शेयर किया जाए. आज गेब्रियल का फ्लू जॉब भी है, तो पहले उसको लेके जाऊंगी फ्लू जॉब के लिए, उसको नर्सरी ड्रॉप करूंगी और फिर आप लोगों के साथ ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस तरह आप एक बड़ी चिकन को घर पे लाके ख़ुद काट सकते हैं, जिसमें से मेरे निकले दो बड़े साइज़ के टिक्के और कुछ तकरीबन 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, दो बड़े विंग्स, और ये कुछ मेरे पास लेफ्ट ओवर चिकन है जिससे मैं सूप बनाऊंगी और अपने कबाब को तैयार करूंगी. तो चलिए तैयार करते हैं टिक्कों का मैरिनेट. और उसमें मैंने डाले 3 बड़े टेबलस्पून योगर्ट के, 1 जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून डाला सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपरिका, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और इसके अंदर मैंने डाले 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के, और साथ ही 1/2 लेमन जूस. और बाकी मैं इसकी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी लिस्ट साथ में आ रही है, वो भी आप चेक कर सकते हैं. इसको मैंने मैरिनेट कर दिया, और मैरिनेट करके कवर करके इसको तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए रख देना है, और उसके दरमियान आप अपने बाकी की जो रेसिपीज़ हैं उनकी तैयारी करेंगे. अब मैं मैरिनेट कर रही हूँ अपने चिकन स्पाइसी विंग्स को, और उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून केचप, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और क्यूमिन पाउडर, और थोड़ा सा इसके अंदर गया विनेगर. और साथ में आप इसकी लिस्ट भी चेक कीजिएगा. बस इन सबको मैरिनेट करके कवर करके रख दिया. और मैंने बारबेक्यू टिक्का के लिए एक चारकोल को गर्म करके उसको पका के, और मैंने एक प्याज के छिलके के ऊपर उसको रखा है, उसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डाला और बस उसको कवर करके रख दिया 2 घंटे के लिए, ताकि उसके अंदर अच्छे से बारबेक्यू की खुशबू जो है वो आ जाए. और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बनाना स्पाइसी विंग्स. और उसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है बटर, और बटर हो गया हमारा मेल्ट. अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हमारे दोनों जो मैरिनेटेड विंग्स हैं. और फ्लेम मेरा मीडियम पे है, मीडियम से भी बल्कि कम ही होगा, इट्स नॉट वेरी लो बट लिटिल बिट लेस देन मीडियम. और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और अपने सूप की तैयारी करते हैं. चिकन विंग्स यहाँ हो रहे हैं तैयार, और मैंने इनकी साइड चेंज कर दी. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने लिए 2 बीटरूट और उनको मैंने ग्रेट कर लिया है. ये जो सबसे बारीक वाला है उस पर मैंने ग्रेट किया है. यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा डाल दिया बटर, और इसके अंदर मैं रोस्ट करूँगी अपने बीटरूट जो ग्रेट किए हुए हैं. और साथ ही मेरे पास यहाँ पे यखनी बनी हुई है जो कि मैंने बनाई थी मेरे चिकन का जो ब्रेस्ट पीस निकालने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचा था उससे मैंने इस सूप को तैयार किया है, और वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी बीटरूट सूप के अंदर. बटर यहाँ हो गया मेल्ट, और अब इसके अंदर मैंने डाल दिए ग्रेटेड बीटरूट और इसको थोड़ा अच्छे से भूनेंगे. और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा आप डाल सकते हैं क्लोव पाउडर और जो भी स्पाइस आप पसंद करते हैं वो डाल दें. मैंने नमक और काली मिर्च अपनी यखनी में डाली हुई है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी. अच्छा, यहाँ देखिए बिल्कुल मेरा बीटरूट जो है वो भुन चुका है. अब मैं इसके अंदर डालूँगी बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर क्लोव पाउडर. लौंग का पाउडर, और इसको बस हल्का सा भून के फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारी जो यखनी है वो, और बस इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे. और आप इसका कलर देखिएगा कितना खूबसूरत है. और क्लोव की वजह से जो इसके अंदर बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर आएगा वो एक्चुअली है इस सूप का मज़ा, और इस सूप का कलर बेहद हसीन होने वाला है. आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी बीटरूट का सूप नहीं बनाया होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आप सबको ये बहुत पसंद आने वाला है, और स्पेशली विंटर में तो ये एकदम ज़बरदस्त है.
विंग्स यहाँ हो गए तैयार, और साथ ही मेरा बीटरूट सूप भी तैयार हो गया है। बस अब हम इसे निकालेंगे डिश में और सर्व करेंगे। और अब है यहाँ पे मेरे पास श्रेडेड चिकन, जो मेरी चिकन बॉईल हुई जिससे मैंने सूप बनाया, उसी चिकन को मैंने निकाल के श्रेड करके अपने बाउल में डाला, और उसमें अनियंस शामिल किए हैं, और अनारदाना था मेरे पास तो वो भी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून शामिल किया है, और ब्लैक पेपर। आप अपनी मर्ज़ी के मसाले डाल सकते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, वट एवर यू हैव, यू कैन यूज़ एनी स्पाइस। और बस हम इसको मिक्स करके इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे। बस यहाँ मेरा कबाब का कीमा तैयार हो गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर ऐड किया है, आप इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसको बाइंड करने के लिए, और अंडा तो इसके अंदर है ही। और बस हल्का सा तवे पे तेल डाला है, और इसको मैं करूँगी शैलो फ्राई, और फिर आपको दिखाती हूँ। बस ये देखिए, मैंने छोटे छोटे से राउंड शेप में बना के और बस इनको तवे पे डाल दिया, और बहुत हल्के से ऑयल में किया है। बस इनको शैलो फ्राई करना है आपने, जब एक साइड हो जाए तो उसको चेंज करके दूसरी साइड आप उसको थोड़ी देर के लिए ऑयल में छोड़ें और फिर साइड पे कर दें। बस इसी तरह सब बनाएंगे। जनाब हो गए हमारे सारे एपेटाइज़र रेडी, और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से। ये है हमारे पास स्पाइसी चिकन विंग, और इसको मैंने सर्व किया है पेपर हुमस के साथ, और साथ गर्केंस, हैलपिनो, और एक स्लाइस टमाटो का, और साथ ही मैंने थोड़ा सा इस पे चिली फ्लेक्स डाल दिए फ्लेवर के लिए। और ये हमारा दूसरा, एक्चुअली दीज आर फॉर टू, बट यू कैन सर्व एज मैनी एज यू वॉन्ट। और यहाँ पे मेरे पास है बीट रूट का ज़बरदस्त सूप, इसके अंदर मैंने 1 स्पून जो है वो सावर क्रीम का डाल दिया, और साथ मैंने इसके सर्व किया है गार्लिक ब्रेड, और उसके ऊपर मैंने 1 1 स्पून जो है वो सावर क्रीम का डाल दिया, और साथ एक छोटा सा क्यूट सा टमाटो। एंड हियर, अब हम चलते हैं अपने तीसरे एपेटाइज़र की तरफ। यहाँ मैंने जो चिकन के कबाब बनाए वो डाल दिए, साथ मैंने सर्व किया है ग्रिल्ड पिकल्स पेपर, और इस तरफ है मेरे पास एप्पल एंड प्लम चटनी, उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है, और साथ है मेरा एक लेटस का लीव। एंड हो गए हमारे तीन एपेटाइजर्स। यू कैन सर्व इट टू टू और यू कैन सर्व इट टू सिक्स, इट्स अप टू यू। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट मेन कोर्स की तरफ। यहाँ पे हमारे टिक्के स्मोक हो चुके हैं, चारकोल की खुशबू में आ चुकी है। बस अब इनको मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के और इसके अंदर हल्की आंच पे पकने के लिए रखूँगी, बहुत हल्की आंच नहीं, मीडियम। बस टिक्कों को मैंने तवे पे डाल दिया पकने के लिए, थोड़ी देर में इसकी साइड चेंज करेंगे। हाँ, मैंने इनकी साइज कर दी चेंज, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के टिक्के हैं, आई थिंक 1 will be enough for 1 person। टिक्के एकदम बन के तैयार हो गए, अब मैं इनको दोबारा से कोयले का दम दूंगी। चारकोल मेरा यहाँ पे गर्म हो गया, मैं और इसको एक लास्ट बार दम दूंगी, और बस इसको तैयार करके प्लेट में सर्व करूँगी। टिक्के हो गए हमारे तैयार, तो अब हम चल रहे हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है हमारी चिकन की। और गर्म करके मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी, पहले चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे, और जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगी उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन मेरा थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच नमक, और 1 पूरा भर के टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और पहले इसको भूनूंगी, उसके बाद हम अपने टमाटर शामिल करेंगे। अब मेरे जिंजर गार्लिक भी फ्राई हो गया, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्योंकि 1/2 टीस्पून से भी कम, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते। आई एम जस्ट यूजिंग सॉल्ट एंड पेपर, और बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप जो मर्ज़ी मसाले चाहें आप डाल सकते हैं। अब जाएंगे इसके अंदर फ्राइड ऑनियंस,
और बस थोड़ा सा भूनेंगे इसको। बस तकरीबन आधा मिनट तक मैंने इसमें चम्मच चलाया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपने चॉप टमाटर्स, ये कुछ है 225 ग्राम, और बस अब इसको भुनने के लिए रखेंगे और थोड़ा सा एक मिनट के लिए भून के फिर मैं इसको हल्की आंच पे करके कवर कर दूँगी। इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 3 खाने के चम्मच दही भी, ताकि ये साथ ही साथ पक भी जाए। चिकन मेरा हो गया यहाँ पे रेडी, बस इसको सर्व करेंगे अपने पराठे के साथ और राइस के साथ। हो गए हमारे सारे मेन मील भी तैयार और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसके इसको जिस चीज़ के साथ चाहें आप सर्व कर सकते हैं। और मैंने इसको टिक्के को मैंने यहाँ पे सर्व किया है पराठे के साथ, सावर क्रीम के साथ, और यहाँ पे मेरे पास है इमली की चटनी और वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और बस ये हमारा सारा खाना तैयार हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सिर्फ एक चिकन से आप बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फीस तैयार कर सकते हैं। डिज़र्ट में मैं सर्व कर रही हूँ आज गाजर का हलवा। मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है, उसको ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक नीचे दे दूँगी। बहुत शुक्रिया।